हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए झटपट इजी वे में पनीर बटर मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुकर में 2 बड़े चम्मच देसी घी लेना है। मैंने 2 बड़े प्याज का यूज़ किया है। प्याज को मैंने चॉप कर लिया है नाइफ़ की हेल्प से। फिर मैंने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को चॉपर की हेल्प से चॉप किया है। ये चॉपर मैंने ऑनलाइन मंगाया था। चॉपर काफ़ी इजी हैंडी है। प्याज मैंने अलग से नाइफ़ की हेल्प से चॉप की है। जीरा और खड़ा मसाला, हमारा तेल गरम हो चुका है, उसमें डालेंगे। थोड़ा अच्छे से भुन जाने दीजिए ताकि इसका फ्लेवर खड़े मसाले का घी में आ जाए। फिर हम चॉप्ड प्याज डालेंगे। फिर इसमें हम टमाटर जो चॉप किया था पेस्ट वो डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, भूनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अच्छी सी ग्रेवी हो जाए उसके लिए एक मीडियम फ्लेम पर एक विसिल देंगे। पनीर के स्लाइस कट कर लेते हैं तब तक। ये देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी सी हो गई है। इसे थोड़ा और अच्छे से मैश कर लीजिए। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से ग्रेवी के साथ मसालों को हम भून लेंगे। थोड़ा हींग भी इसमें ऐड करते हैं। मसाला देखिए हमारा कितने अच्छे से भून गया है। इस रेसिपी को मैंने बहुत इजी वे में बनाया है। अब हम इसमें हम 1 बड़ा चम्मच किचन किंग मसाला ऐड कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, भून लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। फ्लेम हमें सिम कर देना है। इसके बाद आधी कटोरी इसमें आप क्रीम ऐड कर सकते हैं। मेरे पास क्रीम नहीं थी तो मैंने मलाई फैट के इसमें मिक्स कर दी। ये देखिए कितना अच्छी ग्रेवी बनी है, कितना अच्छा कलर आया है। अब इसमें हम पनीर के पीस ऐड करेंगे। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और लास्ट में 1 छोटा चम्मच नमक भी ऐड कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए अब मेरी डिश रेडी हो चुकी है। पनीर बटर मसाला की रेसिपी है तो बटर डालना तो बनता है। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।